नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पकड़े ऑनलाइन नकलची, एसओजी ने किया खुलासा, आरोपी हुए गिरफ्तार। व्यापारी की हत्या के आरोपी को मिली फांसी की सजा, 2 साल पूर्व गोली मारकर की थी हत्या। सरिस्का में बाघिन एसटी 5 हुई लापता, वन विभाग अधिकारियों के छूटे पसीने। और सरपंच की हत्या के आरोपी अभी भी है पुलिस गिरफ्त से बाहर, परिजनों ने किया आमरण अनशन। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर जिले के बहरोड में 2 वर्ष पूर्व व्यापारी घनश्याम की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी प्रसन्नदीप उर्फ पर्रा को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही उसके साथी अशोक उर्फ धोलिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं बाबा वेदगिरी और रोहित को साक्ष्य अभाव के चलते दोष मुक्त किया गया है। मामला 4 मार्च 2016 का है, जब घनश्याम अपनी दुकान पर बैठा था। उसी दौरान 3 बदमाश लूट की नियत से दुकान पर आए और गल्ले से पैसे लूटने लगे। घनश्याम द्वारा विरोध किए जाने पर प्रसन्नदीप परा ने घनश्याम के सीने में गोली मार दी। व्यापारी की हत्या के विरोध में बहरोड में कई दिनों तक पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया था। आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए प्रसन्नदीप और परा को फांसी की सजा सुनाई है। 4-3-2016 को मृतक के पिता मीघराज ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका लड़का ने बाजार में परचून की दुकान कर रही थी, वहाँ पर्रा और 2 व्यक्ति और वो शख्स आए, उन्होंने गन्ने से पैसे निकाले, जो उसने मना किया तो उसने गोली मारी। साक्ष्य सबूत के आधार पर 2 मुलजिमों को पर्रा और अशोक धोड़िया को दोषी मानते हुए पर्रा को मृत्युदंड और अशोक धोड़िया को LI देना। मृतक का नाम क्या था? मृतक का नाम घनश्याम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन नकल करवाने का मामला सामने आया है। मामले में कामयाबी हासिल करते हुए एसओजी की टीम ने बीती देर रात को जयपुर में ऑनलाइन नकल गिरोह से जुड़े करीब 6 से 7 युवकों को हिरासत में लिया है। ये युवक हरियाणा और MP के बताए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए पहली बार कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके लिए PHQ ने FTEC कंपनी को ठेका दिया था। यह परीक्षा गत 7 मार्च से शुरू हुई थी, जो कि 45 दिनों तक चलनी थी। इस ऑनलाइन परीक्षा के लिए राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर, झुंझुनू, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर और उदयपुर में कई इंस्टीट्यूट्स में एग्जाम सेंटर बनाए गए थे, जिनमें 3 पारियों में अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षा ली जानी थी। इन परीक्षा केंद्रों में एग्जाम के करीब 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता था। पिछली 6 परीक्षाओं के दौरान SOG को शिकायत मिली कि एक प्रोफेशनल नकल गिरोह इस ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूल कर नकल करवा रहा है। इसके बाद IG दिनेश MN के निर्देशन में SP SOG संजय श्रोत्रिय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीमों ने निगरानी रखी। शिकायतें सही पाई जाने पर बीती देर रात को जयपुर के मालवीय नगर इलाके से SOG ने नकल गैंग से जुड़े संदिग्धों को हिरासत में लिया। गौरतलब है कि नकल कराने वाले ये गैंग मालवीय नगर में एपेक्स सर्किल स्थित एक इंस्टीट्यूट से चलाया जा रहा था, जिसमें गैंग ने ऑनलाइन एग्जाम के सिस्टम को हैक कर अभ्यर्थियों को नकल करवाई। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। सरिस्का बाघ परियोजना अलवर में बाघिन एसटी 5 के गायब होने से वन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले कई दिनों से बाघिन के ना तो पग मार्क मिले हैं और ना ही रेडियो कॉलर से लोकेशन का पता चल पा रहा है। बाघिन एसटी 5 के गायब होने से एक बार फिर शिकारियों के सक्रिय होने का अंदेशा है। करीब 15 साल पहले भी शिकारियों के शिकार के चलते सरिस्का बाघ विहीन हो गया था। 16 दिन से गायब बाघिन एसटी 5 का कोई सुराग नहीं लग पाया है। रेडियो कॉलर लगे होने के बावजूद GPS पर कोई सिग्नल नहीं मिल पा रहे।
इस पर वन प्रशासन बागिन के किसी सुरंग या गहराई वाले नाले में होने की मान कर भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कर्मचारी बागिन की तलाश में जुटे हैं। बागिन के गायब होने से एक बार फिर शिकारियों के सक्रिय होने का डर भी पैदा हो गया है। 2004 में भी सरिस्का में बाघ बागिनों को शिकार के चलते बाघों का सफाया हो गया था। आखिर रणथंभौर से बाघों को यहां शिफ्ट करना पड़ा। आज सरिस्का में पर्यटकों की रौनक परवान पर है, लेकिन बागिन ST5 के गायब होने से वन प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इस टाइम हम बीनक वन क्षेत्र में ST5 मॉनिटरिंग का कार्य कर रहे हैं। जो पगमार्क मिले या कुछ एविडेंस मिले तो सभी स्टाफ लगा हुआ है, कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं सभी स्टाफ। हाँ, टाइगर टेरिटरी बदल सकता है, जा भी सकता है ये कोई, लेकिन टेरिटरी फिक्स होती है। कोई टाइगरस एरिया चेंज कर सकता है, कोई भी टाइगरस टाइगरों को दबाव हो सकता है या फिर कोई भी कारण। लगभग पूरा दिन ही लगी हुई है, टीम बनी हुई है। सुबह 6 बजे से शुरू करते हैं, 10-12 बजे तक, फिर 1-2 घंटे लंच करते हैं, फिर शाम तक करते हैं, रात को भी गश्त कर रहे हैं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। सवाई माधोपुर के बौली में ग्राम हथडोली के सरपंच रघुवीर मीणा की बजरी खनन माफियाओं द्वारा हत्या किए जाने के बाद हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ग्रामीणों और परिजनों ने पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन कर रखा है। मामला 14 फरवरी 2018 का है, जब देर रात सरपंच रघुवीर मीणा की बजरी माफियाओं द्वारा हत्या किए जाने का मामला सामने आया था, जिसमें 1 दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 14 फरवरी को क्षेत्र में हो रहे बजरी के अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही करने खनन विभाग के सहायक अभियंता और सरपंच मौके पर गए थे। वहां मौजूद माफियाओं ने उन पर पत्थरों से हमला कर दिया था, जिसमें हथडोली सरपंच रघुवीर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। अब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किए जाने के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के सामने पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन किया हुआ है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने 4 जनों को हिरासत में लिया, जबकि मुख्य आरोपी अभी बाहर है। सर, उन्होंने आश्वासन दिया है, जो अतिक्रमण वाली मांग रखी थी हमने, उसको कल ही स्टार्ट कर देंगे उठाने के लिए। बाकी उन्होंने हमारी जांच CID CB में देने की कहा है। इसके अलावा जो और जाँचें हैं वो कलेक्टर साहब करेंगे, बाकी और है वो राज्य सरकार करेंगे। अभी कितने दिन से आमरण अनशन पे बैठे? सर, हम 4 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हैं। जब तक सारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम नहीं बैठे रहेंगे। सोमवार को परिजनों ने भरतपुर रेंज IG आलोक वशिष्ठ से भी मुलाकात की। IG ने जल्द इस मामले में कार्यवाही किए जाने का भरोसा दिलाया। इसमें जो प्रतिनिधि मंडल था उनसे बुला के उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था उनकी मांगों के संबंध में चर्चा की गई है, और जो भी मांगों के बिंदु थे उसके ऊपर उनको ठोस आश्वासन दे दिया गया है। जो भी कार्यवाही तत्काल यहाँ पे जिला प्रशासन के स्तर पे हो सकती है, उन बिंदुओं के ऊपर कार्रवाई चल रही है, वो उनको बता दिया गया है। और एक आध बिंदु ऐसे हैं जिसमें मुख्यालय स्तर पे राज्य सरकार के स्तर पे जो कार्रवाई होनी है उसके बारे में उनको बता दिया है कि वो जो चाह रहे हैं कार्रवाई के लिए वो अनुशंसा करके और वहाँ पर बता दिया जाएगा मुख्यालय पर। तो मेरे ख्याल से इसमें कल तक जो इनकी डिमांड्स हैं उस पे संतोष व्यक्त करते हुए ये धरना उठा लेंगे, ऐसा इन्होंने हमें बताया। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। भिवाड़ी में दलित युवक की पीट पीट कर हत्या किए जाने और एक अन्य युवक को जलाकर मारने की घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली के विरोध में दलित समाज के लोगों ने रैली निकालकर उपखंड अधिकारी तिजारा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाज के लोगों ने दलितों पर हो रहे अत्याचार रोकने की मांग करते हुए आंदोलन करने की बात कही। गौरतलब है कि होली के मौके पर दलित युवक की कुछ गुर्जर समाज के युवकों से किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, जिस पर गुर्जरों ने दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। वहीं 2 दिन बाद मृतक के दोस्त का भी शव जला हुआ मिला था। इस घटनाओं पर पुलिस की ढीली कार्यवाही से नाराज दलित समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। दलितों पर हो रहे अत्याचारों को बंद कराना जी, जिसमें 2 हत्याएं हो गई भिवाड़ी क्षेत्र में जी, जिसमें 1 के ही अपराधियों को पकड़ा गया है, बाकी दूसरे मृतक के अपराधियों को आज तक भी नहीं पकड़ा गया है।
इसके मामले में हमारा ये कहना है, यदि प्रशासन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो यह प्रदर्शन और उग्र होगा और इस सीमा तक होगा जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे। प्रशासन को हम चैन से नहीं बैठ रहे। माननीय सीएम साहिबा और माननीय राज्यपाल राजस्थान इस बात के लिए अवगत हों हमारे माध्यम से, यदि उनके हथियारों को पकड़ा नहीं गया और उनको जेल भेजा नहीं गया और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और बहुत ही उग्र रूप से जारी रहेगी। खबरें अभी और भी है, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आईआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन निजी क्षेत्र में न सिर्फ अलवर अपितु राजस्थान का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। आईआईटी ग्रुप एस्टैब्लिश्ड इन 1998 बाय डॉक्टर वीके अग्रवाल एंड डॉक्टर मंजू अग्रवाल। आईआईटी ग्रुप में आज दो इंजीनियरिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज संचालित है जो AICTE भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और RTU कोटा से एफिलेटेड है। IIT ग्रुप द्वारा BTech, MTech, MBA, MCA, B-Pharma व M-Pharma कोर्सेज संचालित किए जाते हैं। 400 से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी एंड वेल मैनेजमेंट द्वारा बच्चों का भविष्य संवारा जाता है। कैंपस प्लेसमेंट के लिए 60 से ज्यादा कंपनीज IIT ग्रुप में आ चुकी हैं। IIT ग्रुप में गर्ल्स व बॉयज के लिए अलग अलग हॉस्टल फैसिलिटी, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड इंटरनेट की सुविधा के साथ साथ सिक्योर एनवायरनमेंट भी उपलब्ध है। कैंपस में ही बैंक, ATM, पोस्ट ऑफिस की भी सुविधा है। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ग्रुप चेयरमैन को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा गुणीजन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आर एड्रेस नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर, आर टोल फ्री नंबर 1800120 6122। क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर स्मार्ट सिटी अलवर में अब क्योरवेल डायग्नोस्टिक लाए हैं सभी प्रकार की जांच के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो भी अनुभवी टीम के साथ। 4D अल्ट्रासाउंड हो या कलर डॉपलर या हो कार्डियोग्राफी, इसके साथ साथ क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर पर अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। डिजिटल एक्सरे हो या रंगीन सोनोग्राफी, वीडियो ECG हो या थायराइड जांच और ब्लड की सभी तरह की जांच भी लेटेस्ट तकनीक से की जाती है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शक्ति सिंह भी अपनी सेवाएं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर पर दे रहे हैं। जांच रिपोर्ट में विश्वास का ही नाम है, क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। अब कालाकुआ में भी ब्रांच की शुरुआत की जा चुकी है, यहाँ भी तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। हमारा पता है 1/25 अरावली विहार, कालाकुआ, अलवर। मोबाइल नंबर 8505000166। हेड ऑफिस क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर, लखंडा वाला कुआं, बिजली घर का चौराहा, अलवर। मोबाइल नंबर 9024186186। ब्रेक के बाद एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पकड़े ऑनलाइन नकलची, SOG ने किया खुलासा, आरोपी हुए गिरफ्तार। व्यापारी की हत्या के आरोपी को मिली फांसी की सजा, 2 साल पूर्व गोली मारकर की थी हत्या। सरिस्का में बाघिन ST5 हुई लापता, वन विभाग अधिकारियों के छूटे पसीने। और सरपंच की हत्या के आरोपी अभी भी है पुलिस गिरफ्त से बाहर, परिजनों ने किया आमरण अनशन। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रविवार को स्कीम 2 स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला में पंजाबी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान 660 युवक युवतियों ने पंजीयन कराया, इसमें शादी के लिए 9 जोड़े तय हुए। सम्मेलन में स्मारिका का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर सभापति अशोक खन्ना, राजाराम सोनी, दौलत राम हजरती, KL अरोड़ा, डॉक्टर RK गुल्याणी, देवराज भारती आदि मौजूद रहे। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दिवांचन सेतिया ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में परिचय सम्मेलन के जरिए 550 जोड़े तय किए गए हैं। आज पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा
पंजाबी युवा युवति परिचय सम्मेलन 11वां परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व में सोसाइटी द्वारा 10 परिचय सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। प्रतिवर्ष सोसाइटी एक परिचय सम्मेलन आयोजित करती है, साथ ही साथ हर प्रति माह के दूसरे इतवार को एक मिनी परिचय सम्मेलन टाइप, जिसे मेल मिलाप शिविर कहते हैं, किया जाता है। इसके काफ़ी अच्छे परिणाम सामने आए, उसी को देखते हुए लगातार हर वर्ष परिचय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतिवर्ष करीब करीब 50 से 60 रिश्ते लड़के लड़कियों के इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से बीच बीच में हो जाते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी द्वारा एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें एक विवरणिका प्रकाशित की जाती है, जिसमें पात्र लड़के और लड़कियों की डिटेल होती है, सारे बायोडाटा तो होते हैं, जिससे पेरेंट्स और बच्चे आराम से उसे देख सकते हैं। हमारा काम केवल परिचय करवाना है, परिचय सम्मेलन करवाना है, प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। शादी जो भी अभिभावक अपने स्तर पर करना चाहें वो कर सकते हैं। 11वां परिचय सम्मेलन पुरसारी धर्मशाला में पंजाबी विवाह सोसाइटी के तत्वाधान में, जिसके अध्यक्ष कर रहे दीवान चंद जी सेतिया, उनके सहयोगी हैं हरीश जी तनेजा, गिरधारी लाल जी भाटिया, राधेश्याम जी, मदन जी, सबके सहयोग से बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। कितने परिचय सम्मेलन इसमें सारे गांव से, सारे अलवर से, पूरे ज़िले से, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और सबकी जैसे भी मतलब बैठ रहे हैं हिसाब किताब, और उनका पूरा सबको नाश्ता खाना और रुकने का खाने पीने का सारा इंतजाम है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वसुंधरा सरकार के आखिरी बजट में थानागाजी अलवर को नगर पालिका घोषित किए जाने से स्थानीय निवासियों में खुशी का माहौल है। राजस्थान के मंत्री और थानागाजी विधायक हेम सिंह भड़ाना का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। इस मौके पर भड़ाना ने आश्वस्त किया कि वसुंधरा सरकार में किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की तारीफ की। आपका जो आशीर्वाद प्यार है वो बना कर रखो। एम्स बढ़ाना आपके सेवक के रूप में काम करता है और सेवक के रूप में काम करता रहेगा। मैं मंत्री और संतरियों की भावना नहीं करता हूँ, मंत्री होते हुए थानागाजी का संतरी का काम करता हूँ, पहरेदार का काम करता हूँ, वही करता हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राज्यसभा के 3 सीटों के लिए भाजपा उम्मीदवारों ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रही। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव, भाजपा में शामिल हुए विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और आरएसएस और भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक मदनलाल सैनी को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के तीनों उम्मीदवार सोमवार को विधानसभा पहुंचे और नामांकन किया। तीनों उम्मीदवारों का जीतना तय है। आज राज्यसभा में नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। कोई और दल की ओर से उम्मीदवार अभी तक नहीं पहुंचा। ऐसे में निर्विरोध निर्वाचन तय है। राज्यसभा का चुनाव 23 मार्च को होना है और इनका कार्यकाल अभी समाप्त होने जा रहा है। प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव, कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और नरेंद्र बुड़ानिया का कार्यकाल 3 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव का कार्यक्रम राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू हो गई थी। नामांकन भरने की सोमवार को आखिरी तारीख है। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर फल सब्जी मंडी में एक बार फिर व्यापारियों और कर्मचारियों का विवाद सामने आया है। मंडी अध्यक्ष देवेंद्र छाबड़ा के नेतृत्व में व्यापारियों ने मंडी सचिव और कर्मचारियों द्वारा नाजायज परेशान करने का आरोप लगाते हुए एडीएम प्रथम राकेश गढ़वाल को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि व्यापारियों ने पिछले दिनों भी मंडी सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। वहीं मंडी सचिव ने मंडी में केले पकाने के लिए चलाए जा रहे कोल्ड स्टोरेज को अवैध बताया था। इस बीच सचिव का स्थानांतरण भी हो गया था। एक बार फिर व्यापारियों और मंडी सचिव आमने सामने हैं।
आज हम एडीएम फर्स्ट को हम ज्ञापन देने आए हैं कि जो बार बार भूतपूर्व सचिव द्वारा हमें चोर बताया जा रहा है, जो हमारे बनाना राइपनिंग चैम्बर मंडी के अंदर लगे हुए हैं, मैं सबूतों के आज हम मैं सबूतों के एडीएम को ज्ञापन देने आए हैं कि साहब ये देखो किस किस तरीके से कृषि उपज मंडी ने बाकायदा प्रस्ताव लेके 27/12/12 को प्रस्ताव संख्या 19 की 3-फेज कनेक्शन की हमारे को परमिशन दी। उसके बाद भारत सरकार का कागज है कि पहले केले कैल्शियम कार्बाइड से केला पकता था, उसको बंद करके WHO और भारत सरकार ने उसको बैन लगा दिया कि राइपनिंग चैम्बर से केला पकाया जाए। इन सारे सबूतों के साथ आज हम एडीएम साहब के पास उपस्थित होने के लिए आए हैं, उनको दिखाएंगे कि साहब हम हमारे को बताया जाए कि हम किस तरह से चोर हैं, जो भूतपूर्व सेक्रेटरी हमारे को बार बार चोर बता रहा है। अगर चोर बता रहा है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करी जाए। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमें हमारी जो समस्या है मेन भ्रष्टाचार की और जो आतंक फैला रखा था उससे मुक्ति दिलाई जाए, और हमारे सबूतों को देख के हमारे खिलाफ जो बार बार ये बिजली का कनेक्शन काटना और इस तरह के हमारे को प्रताड़ना दी जाए, उनसे हमारे को मुक्ति दिलाई जाए। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पकड़े ऑनलाइन नकलची, एसओजी ने किया खुलासा, आरोपी हुए गिरफ्तार। व्यापारी की हत्या के आरोपी को मिली फांसी की सजा, 2 साल पूर्व गोली मारकर की थी हत्या। सरिस्का में बाघिन एसटी 5 हुई लापता, वन विभाग अधिकारियों के छूटे पसीने। और सरपंच की हत्या के आरोपी अभी भी है पुलिस गिरफ्त से बाहर, परिजनों ने किया आमरण अनशन। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।